हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनके अगर आप देखोगे तो जी बिजनेस की तरफ से बहुत भयंकर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। मैं उन सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, और अगर आप यहां से देखोगे तो जो स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं वो हर एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड निकल के आ रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो फिर आपके रेलवे सेक्टर की बात करें, या फिर अगर आप यहाँ पे देखो बैंकिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर, सारे स्टॉक्स के मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी रिकमेंडेशन निकल के आ रही है, जो भी टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और टाइम ड्यूरेशन क्या निकल के आ रही है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं अपने पहले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है ITC लिमिटेड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनालिस्ट की तरफ से इस पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लार्ज कैप स्टॉक में सबसे सस्ते स्टॉक्स में से एक नजर आता है ITC का स्टॉक। जैसा कि आपको पता ही है, फंडामेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन फिर भी इसमें अभी देखा जाए तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो अभी भी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ये शेयर निकल के आता है। एनालिस्ट की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन निकल के आई है। कुछ फाइनेंशियल्स आप यहां पर देख पा रहे होंगे, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली रिकमेंडेशन के बारे में बात करें कि रिकमेंडेशन क्या निकल के आ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो अभी आप जो रिकमेंडेशन निकल के आ रही है वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इसको खरीद सकते हो। जो इसका एक साल का टारगेट है वो करीबन आपको 280 के आसपास नजर आने वाला है। तो जो स्टॉक अभी 207 से 210 के बीच में ट्रेड कर रहा है, उसका टारगेट अगर आप देखो एक साल के अंदर 280 के आसपास नजर आ सकता है, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। तो ये तो हमारी होगी लिस्ट का पहले स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक आप यहां पे देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसका नाम निकल के आता है कोटक महिंद्रा बैंक। और जैसा कि आपको पता ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक भी इसको माना जाता है, क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कराते रहता है। अगर यहां पे आप देखोगे तो एनालिस्ट की तरफ से भी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप देखो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का दिग्गज ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब इसके टारगेट्स बताता हूँ और इसमें क्या रिकमेंडेशन निकल के आ रही है वो बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एक साल का टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2060 रुपए के आसपास, मतलब 2060। तो आप इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए इसको कंसीडर कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई है। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट के दो स्टॉक्स के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं IRFC के बारे में। IRFC के बारे में भी अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई है, टारगेट्स दिए गए हैं, और कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो IRFC है वो रेलवे डिपार्टमेंट को यहाँ पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ईयरली इनका डिसबर्समेंट बढ़ा है वो करीबन 46% से भी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे जनरेट करके देता है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी अगर हम यहाँ पे देखें, इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी देखें, तो ओवरऑल सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती हैं। बस इसमें जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, आपको कॉन्टिन्यूसली इसमें गिरावट का ही सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं हर एक वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूं कि IRFC आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। वो क्यों करता हूं, मैं आपको इसके जो टारगेट्स है वो बताता हूं, और जो रिकमेंडेशन निकल के आ रही है वो बताता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक साल का टारगेट निकल के आता है वो करीबन 34 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो करीबन आपको 21 से 20 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ जाएगा। उसका टारगेट अगर आप देखोगे तो 34 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर अंदर, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन अगर आप रिटर्न्स के कंपैरिजन में बात करो तो बन के आ सकता है। तो बिजनेस एनालिस्ट जो भी निकल के आ रहे हैं उनकी भी रिकमेंडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बाइंग की, क्योंकि कुछ इसके फाइनेंशियल्स ही ऐसे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ऐसा है कि हर कोई इसको बाइंग रेटिंग ही दे रहा है। और यहां से अगर आप एक साल के लिए रुक जाते हो तो आपको करीबन 30-34 के बीच के टारगेट्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है
इंफोसिस लिमिटेड। ये स्टॉक भी ऐसा स्टॉक है जो कि मैं हर एक वीडियो में अगर आप देखोगे तो रिकमेंड करते ही रहता हूं। इसको मैंने हमेशा से ही लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, सो डैट आपको ये स्टॉक बहुत अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करा सके। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बिजनेस एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। जो इनके क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस देखी जाए बहुत ज्यादा शानदार अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और फाइनेंशियल 2022 में जो इनकी ग्रोथ के चांसेस है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा हद तक प्रोवाइड करा रही है, और पार्टनरशिप डील्स के बारे में बात करें तो कॉन्टिन्यूसली आपको यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनरशिप डील, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो, तो वो आपको देखने को कॉन्टिन्यूसली मिल रही है। अब हम इसके टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है एक साल का, वो निकल के आ रहा है 1770 मतलब 1770 रुपए का टारगेट एक साल के अंदर अंदर आपको ये अचीव करके दिखा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल दिखाई देता है। अगर यहाँ से आप रुक जाते हो करीबन एक साल के लिए तो ये टारगेट बहुत ही कम, जहां तक मुझे नजर आता है बहुत कम नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा क्वाइट अचीवेबल दिखाई देता है। क्योंकि इन्फोसिस अगर आप देखो एक ऐसा स्टॉक है जो कॉन्टिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराता है, और हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अच्छे खासे पॉजिटिव इसने अपने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आप देखो तो ये टारगेट की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है भारतीय एयरटेल। ये एक ऐसा स्टॉक है टेलीकॉम सेक्टर में जिसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इनकी धीरे धीरे करके एक्टिव और इम्प्रूव होती जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा अभी आपकी इनके जो इनके एक्टिव यूजर्स हैं वो भारतीय एयरटेल के पास नजर आते हैं। और यहाँ पे मैंने कि जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि भारतीय एयरटेल भी 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो हो सकता है कि इंडिया में सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी भारतीय एयरटेल आपको लाते हुए दिखाई दे जाए। तो ओवरऑल सिनेरियो इनके बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखाई देता है, और यहाँ से चांसेस हैं कि ये कंपनी आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कराए। इस पर पर्टिकुलरली क्या रिकमेंडेशन निकल के आ रही है मैं आपको बताता हूँ। जो इसका एक साल का टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 780 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तो 780 के टारगेट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। तो ये हमारे लिस्ट के कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसपे पर्टिकुलरली बड़े बड़े बिजनेस एनालिस्ट की रिकमेंडेशन और टारगेट्स निकल के आ रहे थे, आप इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेट है वो अचीव हो ही जाएंगे, ये जस्ट एक यहाँ से रिकमेंडेशन निकल के आ रही है, इनको कंसीडर कर सकते हो अपनी रिसर्च के बाद। किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसमें रिसर्च जरूर करें, और अगर आपके लिए सूटेबल लगता है तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।